हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और मैं भी ठीक हूँ। और आज बुधवार का दिन है और ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, करीब 6:30 या फिर 7:45 हो रहा था। और अर्पित और उसके पापा दोनों सो रहे थे, तो मैं पहले काम फिनिश कर लेती हूँ। शायद अर्पित मेरा सब काम हो जाएगा उसके बाद ही उठेगा, लेकिन हस्बैंड उठ जाएंगे, तो मैं अभी सब काम कर लेती हूँ। ये वाले रूम की बेडशीट मैंने पहले ठीक कर दिया है, यहाँ पर अर्पित पढ़ाई करता है और खेलता है, तो इस वाले बेड को मैं पहले ठीक करती हूँ और ये रूम की मैं क्लीनिंग पहले कर देती हूँ। तो ये देखिए अर्पित का खिलौना वो वाले टोकरी में रहता है, तो मैं सबको समेट देती हूँ। पूरे घर में फैला हुआ रहता है सुबह, तो मैं पहले उसको समेट लेती हूँ, फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी और फिर पोछा लगाना है। आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो रेड कलर में बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद घंटी का बटन जो आएगा उसको ज़रूर प्रेस कर देना, तभी मेरे जब भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और ये सब्सक्राइब बिल्कुल भी फ्री है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं जो मेरे किचन का गैस है इसको मैं पोंछ लेती हूँ। वैसे मैं रात में ही इसको साफ़ करके रखती हूँ, किचन का जो भी काम होता है क्लीनिंग सब मैं रात में ही कर लेती हूँ डिनर के बाद। तो सिर्फ यही एक बार मैं फिर से साफ़ कर लेती हूँ सुबह, क्योंकि रात में जब लाइट ऑफ हो जाता है तो बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह आ जाता है, इसीलिए मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ फिर से। तो ये देखिए पूरे स्लैब को मैं साफ़ कर लूँगी, इसके बाद मुझे फिर पोछा लगाना है और क्लीनिंग जो काम होता है वो सब मेरा हो जाएगा। अब मैं पोछा लगा लेती हूँ और इस वाले रूम में अर्पित और उसके पापा दोनों सो रहे हैं। और ये देखिए अभी बेड की हालत, यहाँ पर मच्छरदानी भी लगा हुआ है अभी तक, तो दोनों उठ जाएंगे फिर मैं इस वाले बेड को ठीक करूँगी। तो पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ।
एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक है। और आज है बुधवार का दिन, तो मेरा सारा काम जो है मॉर्निंग का जो होता है काम, हम लोगों का, हम हाउसवाइफ का जो डेली का रूटीन होता है, सबकी एक ही कहानी होती है, वही सब काम वगैरह जो भी था वो सब हो गया है, मैंने फिनिश कर दिया है। फिर मैं फ्रेश हो गई हूँ और रेडी भी हो चुकी हूँ, और हस्बैंड उठ गए हैं लेकिन अर्पित अभी तक नहीं उठा है, तो मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय बना लेती हूँ। अभी तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो चाय पी लेंगे, उसके बाद अर्पित उठ जाएगा। तब तक तो अर्पित को मैं रेडी करूँगी, फिर अर्पित का खाना वाना बनाना है, हम लोगों का भी बनाना है, तो पहले हम लोग चाय पी लेते हैं। तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ, मैं पहले चाय बना लेती हूँ। हस्बैंड भी उठ गए थे और अर्पित सो रहा था, तो मैंने सोचा कि हम लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद ही अर्पित को उठाएंगे, या फिर उठ भी जाता है कभी कभी। इस टाइम हो गया है उसका, करीब 8:30 बज रहा था, तो इस टाइम अर्पित उठ जाता है। तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ, शायद उठेगा या फिर ना उठे तो मैं ही उठा देती हूँ। इस टाइम ज़्यादा देर तक अगर सो जाएगा ना तो दोपहर में सोएगा भी नहीं, और पूरा दोपहर हम लोगों को परेशान करता रहेगा, तो सोता नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी उसको उठा देती हूँ, लेकिन इतना लेट करके रात में सोता है, इसीलिए वो सुबह उतना जल्दी उठ नहीं पाता है। टाइम हम लोग चाय पी ली थी और अर्पित भी उस टाइम उठ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले बेड को ठीक कर लेती हूँ, बिस्तर अगर पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए अर्पित इधर उधर कर रहा है, तो अभी तक मैंने उसको रेडी भी नहीं किया, तो पहले सोचा कि बेड को ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद ही अर्पित को रेडी कर दूँगी, और फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, हम लोगों के लिए भी बनाना है, पहले बेड को अरेंज कर लूँ। बेड अगर पड़ा रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे, पहले बेड को ही ठीक कर लेती हूँ। और ये देखिए इधर उधर घूम रहा है, उसको मैं रेडी भी कर दूँगी अभी। अभी मैं अर्पित को भी रेडी कर देती हूँ, ये देखिए अभी उसका नींद पूरी तरह से टूटा नहीं है, सुबह ऐसा ही करता है, नींद में ही रहता है थोड़ी देर ये। और फिर मैं इसको रेडी करके फिर उसके लिए खाना भी बनाऊँगी। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, सबका ब्रेकफास्ट हो गया है, तो इस टाइम मैं सब्जी काट रही हूँ लंच बनाने के लिए। तो लंच में मैं बनाऊँगी आज करेला आलू की सब्ज़ी और टमाटर की सब्ज़ी। तो करेला आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मुझे करेला चाहिए, वही मैं करेला को काट लेती हूँ। और मैंने इस टाइम गैस पर पानी चढ़ा दिया है, चावल पकाने के लिए जो पानी गर्म होने के लिए मैं रखती हूँ वो मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। सब्ज़ी काटते काटते पानी बॉयल हो जाएगा, फिर मैं चावल डाल दूँगी। इस दिन में ना, इस जो गर्मी के टाइम में देर करके खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर बहुत गर्मी लगने लगती है इस टाइम, इसी वजह से मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ, सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके मैं खाना बना लेती हूँ। ये देखिए पानी बॉयल हो गया है, पानी में से जब खौल आ जाता है तभी मैं चावल डालती हूँ, तो चावल अच्छा बनता है। जब तक मैं सब्जी काट रही थी तब तक पानी एकदम से खौल गया था, और फिर मैं चावल को डाल देती हूँ। अर्पित को
मैंने खाना भी खिला दिया है, जो भी काम था वो सब हो गया है। अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो चावल मैंने डाल दिया और सब्जी तो काट ही लिया। आज मैं करेला की सब्जी बनाऊंगी और टमाटर आलू का सब्जी बनाऊंगी, बस वही हमारा आज का लंच होगा और चावल होगा। तो चावल तो मैंने डाल दिया है, अभी चावल पक जाएगा थोड़ी देर में। अभी मैं करेला की सब्जी बना लेती हूँ और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का बटन जो आएगा उसको प्रेस कर देना, तभी मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए अभी मैं करेला की सब्जी बना लेती हूँ। पहले मैं कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ, कढ़ाई गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने सरसों का तेल डाला है और फिर मैं इसमें डालूँगी काली जीरा, थोड़ा सा काली जीरा डालना है, ज़्यादा नहीं काली जीरा। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें कटा हुआ प्याज, ये मीडियम साइज़ का एक प्याज है, इसको मैंने देखिए बारीकी से काट लिया है। इसको मैं थोड़ी देर भूनूँगी, बस थोड़ा सा ही भुनना है। और फिर मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च, यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्च को तोड़ के डाल दिया है। और प्याज के साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, और फिर मैं मसाला डाल देती हूँ। मसाले में है लाल मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट, बस यही है मसाला। तो सबको मैं एक साथ अच्छे से पका लेती हूँ। मसाला पक चुका था, मतलब मसाले से तेल निकल गया था, अच्छे से पका लिया था मैंने मसाले को। और फिर मैं डालती हूँ इसमें करेला और आलू को, आलू मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। करेला की सब्ज़ी में अगर आलू एक डाल देंगे ना तो करेला का जो कड़वापन है थोड़ा सा कम हो जाता है और सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छी बनती है, थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का बनता है। तो ये देखिए करेला को और आलू को सबको मैंने एक साथ थोड़ी देर चला ली है और फिर मैं ढक देती हूँ। पानी अभी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस तरह से पका लेना है, फिर से मैं ढक दूँगी इस तरह से, और आलू सब्ज़ी सब कुछ करेला सब एक साथ ही पक जाएगा। और गैस को एकदम ही धीमी कर देना है और ढक ढक के इस तरह से पका लेना है। आप लोग चाहे तो इसे सूखा सब्जी भी बना सकते हो इस तरह से, लेकिन मैं थोड़ा सा ग्रेवी रखूँगी। तो देखिए मैं सब्जी को, सारी सब्जी मेरा पक गया है। अभी मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, मैं नमक डालना पहले भूल गई थी तो मैंने बाद में नमक डाला है। और फिर मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उतना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ग्रेवी मैं नहीं रखूँगी, बस थोड़ा सा ही। तो अभी मैं ढक दूँगी इसको, दो से तीन मिनट के लिए ढक दूँगी और फिर मैं चेक करूँगी। सब्जी पक चुका था और फिर मैं चेक कर लेती हूँ। तो देखिए सब्जी अच्छे से बन गया है, और थोड़ी देर मैं चलाऊँगी ढक्कन खोल के। ये देखिए करेला की सब्जी एकदम से रेडी हो गया है और कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी बनता है। तो आप लोग घर में इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कैसा लगा। ये देखिए चावल भी मेरा बन गया है, करेला आलू का सब्जी बन गया है और चावल भी बन गया है। अभी मुझे बनाना है टमाटर की सब्जी। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।